उधर मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को वोटिंग है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों में ही बराबरी की लड़ाई है। दोनों ही पार्टियां जीत का दावा कर रही हैं। हमारी सहयोगी और न्यूज एक्स की एडिटोरियल डायरेक्टर प्रिया सहगल ने मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ से खास बातचीत की। नमस्कार, आज हमारे साथ हैं पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ। हम मध्य प्रदेश में हैं, चुनाव चल रहे हैं और कमलनाथ जी, यह तो लड़ाई मुझे लगता है ये आपकी शिवराज सिंह चौहान से नहीं है, सीधा मोदी के साथ है। मतलब मोदी के मन में मध्य प्रदेश, मोदी जी के मन में कमलनाथ। मध्य प्रदेश के मतदाता चुनाव लड़ रहे हैं और कमलनाथ उनका सहयोगी है। वो जिनसे चुनाव लड़ना चाहते हैं लड़ लें। ये चुनाव किसी उम्मीदवार का या किसी पार्टी का केवल नहीं है, मध्य प्रदेश के भविष्य का है। लेकिन अगर देखा जाए कि पूर्व मुख्यमंत्री करंट मुख्यमंत्री रहे हैं शिवराज सिंह चौहान, 18 साल से उनको इतनी तरह से साइडलाइन कर दिया गया है, बिल्कुल ही आपके... अब ये बीजेपी जाने, इनका काम जाने। अगर उनको शर्म आती है कहते हुए कि शिवराज सिंह हमारे मुख्यमंत्री के चेहरे हैं, तो मैं क्या कर सकता हूँ। और बड़े बड़े उन्होंने लोग उतारे दिल्ली से, मंत्री व सांसद, कि वो देख रहे हैं कि उनके जमीन फिसल रही है। प्राइम मिनिस्टर 14 बारी आ गए हैं अभी, और अभी तो एक और हफ्ता बाकी है। तो आपको लगता है कि सब कहते हैं कि प्रधानमंत्री एंड में कुछ पलट देते हैं, ऐसे करते हैं, तो पर जब आते हैं तो बात क्या करते हैं कमलनाथ और दिग्विजय की दोस्ती की? अब ये कोई भी बात करे, देखिए स्वागत है उनका मध्य प्रदेश में, स्वागत है। बीजेपी सब नेताओं को लाए, उनकी इच्छा। अंत में मध्य प्रदेश की जनता सच्चाई का साथ देगी। कमल जी, एंड में जो अभी शिवराज सिंह चौहान ने अभी शुरू किया ये लाडली स्कीम्स, इसको लेके कहते हैं कि विमेन वोटर्स थोड़े स्वे हो रहे हैं। आई मीन दिस इज द फर्स्ट, अगर विमेन वोटर्स यू कैन नॉट गेट फिर शिवराज सिंह चौहान। देखिए शिवराज जी हमारी बहनें भी समझती हैं कि 18 साल बाद उनको बहनें लाडली बनी, इसके पहले बहनें लाडली नहीं थी। और बहनें समझती हैं कि ये किस प्रकार का प्रलोभन है, और बहनें समझती हैं कि उनको खरीदने का ये प्रयास है। हमने कहा हम 1500 रुपए देंगे, जब मैंने कह दिया हम 1500 देंगे, ये ले आए अपना लाडली स्कीम। तो ये रिएक्टिव स्कीम थी, मतलब आपके कहने के बाद? हाँ, बिल्कुल, मैंने पहले घोषणा करी थी। पर जो कह रहे हैं कि हम किसानों के लिए ये करेंगे, तो आप क्या करेंगे? जो हमने किया, मध्य प्रदेश के 27 लाख किसान मेरे गवाह हैं, 27 लाख किसान मेरे गवाह हैं जो हमने किया, और जिनका कर्जा माफ किया। शिवराज सिंह जितना भी झूठ बोलते जाए, मैंने पहली किश्त में मध्य प्रदेश में 27 लाख किसानों का कर्जा माफ किया, पहली किश्त में। दूसरी किश्त चालू थी और हमारी सरकार नहीं रही। तो आपके 15 महीने और उनके 18 साल। शिवराज सिंह हिसाब दे दे, मैं हिसाब देता हूँ, मैं हिसाब देने को तैयार हूँ। और मैं, मेरे हिसाब में मध्य प्रदेश की जनता मेरी गवाह है। तो आपकी लड़ाई किससे है, शिवराज सिंह से या प्रधानमंत्री? देखिए मेरी लड़ाई किसी से नहीं है, मेरी लड़ाई भविष्य सुरक्षित रहे इससे है। तो आपके मैनिफेस्टो में सबसे जो कहते हैं आपके सेलिंग पॉइंट्स क्या हैं, जिससे हमने कहा है कि हम किसानों के लिए क्या करेंगे? बहुत सारे हमारे हैं वायदे हैं, अब एक एक में जाना तो मुश्किल है। इसमें हम 2600 रुपए धान का देंगे, गेहूं का देंगे, 2500 रुपए धान का देंगे, किसानों का कर्जा फिर से माफ करेंगे जो बच गए हैं, हम बिजली 100 यूनिट मुफ्त में देंगे, 200 यूनिट हाफ में, बहुत सारी ऐसी हैं। सो योर फोकस इज यूथ, आपका फोकस है विमेन, आपका फोकस है जॉब्स, मेरा फोकस और किसान, समाज के हर वर्ग सेक्शन का है। एक आईपीएल टीम ने भी आपने बोला है। मैंने कहा है, बड़ी शर्म की बात है। मैं कहता था कि हमारी, जब हमारी सरकार केंद्र में थी, मैंने यहाँ कहा था शिवराज सिंह जी को, बाबूलाल गौर को जो शहरी विकास मंत्री थे, मैंने कहा मैं देश भर में जाता हूँ, उद्घाटन करता हूँ मेट्रो का। हमारे मध्य प्रदेश में मेट्रो नहीं है। उन्होंने कहा इसका प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने का इतना पैसा मैं दूंगा। तो मैंने प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाई, जब तक आई मैं मुख्यमंत्री बन गया। तो मैंने इसका शिलान्यास किया और शिवराज सिंह इसका श्रेय ले रहे हैं। बच्चा किसी का होता है, मिठाई ये बांटते हैं। पर ये तो बीजेपी का है, उनका रीनेमिंग सेरेमनी ज्यादा होती है, उनकी मार्केटिंग इज बेटर देन योर्स। अंत में जनता सब समझती है। अच्छा, आप ये याद रखिए, 90% जनता को ये राजनीति से, ये मीडिया से कोई लेना देना नहीं, वो समझती है। आज जिनको हम ज्ञान देने जाते थे वो हमें ज्ञान देने के लिए तैयार है। पर ये आईपीएल के बारे में और बताइए, तो 200 तो 200 सेंचुरी का जमाना है। आईपीएल टीम मध्य प्रदेश की होनी चाहिए। मैंने
कैप्टन किसको आप चाहते हैं? कैप्टन नहीं, मैंने तो कहा इसका पहले नाम क्या हो, क्या नाम, लोगों से सुझाव मंगाए और आईपीएल टीम की हम ट्रेनिंग करवाएंगे, हम एक योजना बनाएंगे ताकि मध्य प्रदेश की आईपीएल टीम बने। अच्छा नहीं, एक और बात, आपकी ये जो दोस्ती है दिग्विजय, उसके बारे में थोड़ा सा आप हमें समझाइए, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर हिमसेल्फ ने जिक्र किया उसके बारे में। क्या किया? कि ये तो आज चुनाव के स्टेट मंच में बोले हैं कि दिग्विजय और कमलनाथ एक दूसरे से लड़ रहे हैं, हमसे क्या लड़ेंगे, कपड़े फाड़ की दोस्ती है। पर आपकी जो फ्रेंडशिप है मैंने भी देखी है, वी ऑल सीन इट, इसके थोड़ा हमें आप हमारे व्यूअर्स को समझाइए, हाउ फार बैक इट गोज और नॉट। उसके क्षेत्र के लोग मेरे पास आए, मैंने कहा मेरे पास क्यों आई है, जाके दिग्विजय सिंह के कपड़े फाड़िए, ये मजाक हंसी मजाक तो चलता रहता है, चला है आगे भी चलेगा। ये हंसी मजाक के थोड़ा बैकग्राउंड बताइए आपका, हाउ आपकी दोस्ती कैसे हुई? मेरी दोस्ती बहुत पुरानी है, 45 साल पुरानी है, और मैं दिग्विजय सिंह को इसका क्रेडिट देता हूँ कि जब वो मुख्यमंत्री थे मेरे से हर चीज ये सलाह करके करते थे, मैं उनको इस बात का पूरा श्रेय देता हूँ। उस समय कहा भी जाता था कि महाकौशल, मतलब दे वर टू मुख्यमंत्री। देखिए ये दिग्विजय सिंह और मेरी दोस्ती अटूट है। अच्छा ये नो, आई वांट टू अंडरस्टैंड कि जब दिग्विजय सिंह चीफ मिनिस्टर से आपने उनको सपोर्ट किया, कहते हैं कि जब आपके पास कोई आउटसाइड अटैक होता है फिर आप दोनों इकट्ठे हो जाते हैं, चाहे अर्जुन सिंह जी के खिलाफ। ये ऐसी बात बिल्कुल नहीं है, हम साथ हैं अटैक हो या नहीं अटैक हो, और साथ रहेंगे। अच्छा एक और बात है, आप ये हिंदुत्व को लेकर, आपको आपने हनुमान जी का स्टैचू भी बनाया था सबसे पहले, पर दे आर प्लेइंग, यू प्लेइंग इट वेरी स्मार्ट, ना तो आप उनकी वो डिबेट में जा रहे हैं, आपने एक्सेप्ट कर लिया कि ये हिंदू राष्ट्र है, 80% हिंदूज हैं, और वो डिबेट खत्म, अब आगे चलो। देखिए धर्म आचार का विषय है, विचार का विषय है, राजनीतिक प्रचार का विषय नहीं है। मैंने 14 साल पहले हनुमान मंदिर, सबसे ऊंचा हनुमान मंदिर बनाया, कौन सी राजनीति थी, कौन सा हिंदुत्व था? तो इनके बीजेपी के पेट में दर्द होता है अगर मैं मंदिर जाता हूँ, बीजेपी के पेट में दर्द होता है अगर मैं कोई धार्मिक कार्यक्रम में जाता हूँ, वो क्यों चिंता करते हैं मैं क्या कर रहा हूँ? पर वो धर्म को राजनीतिक मंच पर लाना चाहते हैं। पर ये डिबेट को एंड करने में जाके आपके जो सेंटर में कहते हैं सनातन धर्म के ऊपर डिबेट चल रही है, यहाँ पे आपने बिल्कुल कह दिया कि देयर इज अ कमलनाथ वे ऑफ रनिंग एन इलेक्शन। बिल्कुल नहीं, ये देश सनातन धर्म का देश है, इसमें किसी को शक है? और अगर 80% हिंदू हैं तो मुझे कहने की आवश्यकता है? हैं? पर आप ये में जो पर हम एक सेक्युलर देश है, 80% हो, 90% हो, 70% हो, अपने देश की मानता, अपने देश का सम्मान हमारी सेक्युलरिज्म पर है। अच्छा आखिरी सवालों का आंसर जाते हैं, ये इंडिया अलायंस को लेकर लॉट ऑफ पीपल आर सेइंग कि बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो रही है, और ये एक्चुअली आपको बैकफायर हो रहा है। ये हमने, मेरी बात हुई थी अगले से, उन्होंने टीम भेजी, जो सीटें वो चाहते थे उसमें हमारे लोग राजी नहीं थे, और अंत में हम दोनों का लक्ष्य था कि बीजेपी हारे, पर उनको सीट देने से अगर बीजेपी जीतती है तो ना उनका फायदा था ना हमारा फायदा था। और ये मिस्टर सिंधिया, सिंधिया क्या, सिंधिया का क्या, सिंधिया अपनी चला रहे हैं, चलाएं अपनी। आपको लगता है कि अगर ये बीजेपी में भी कुछ चल रही है टू लेवल फाइट के, सिंधिया को चंबल रही है? ये सिंधिया का जो ये करना चाहते हैं करें, मुझे सिंधिया और बीजेपी में क्या चल रही है क्या नहीं चल रही मैं उसमें क्यों ध्यान लगाऊं, मुझे पास वो समय बर्बाद करने के लिए नहीं है। चलिए।